आप सब लोग किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की होती है, तकरीबन सबको ही पसंद होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्विस्टर रोल्स KFC स्टाइल के। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं घर में, तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये KFC स्टाइल ट्विस्टर की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चले चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ली हैं, तो वो आपको नज़र ही आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए है बोनलेस चिकन, तो ये मैंने 2 फिले लिए थे, ये तकरीबन 700 ग्राम के बराबर होंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप दही। इसके अंदर बेसिकली जब इसको मैरिनेट करते हैं तो इसके अंदर बटर मिल्क की ज़रूरत होती है, तो अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप 1/2 कप दही लेकर उसके अंदर उतना ही पानी डाल के उसको लिक्विड सा बना सकते हैं, तो वो भी बटर क्रीम की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है आपके पास तो 1 कप दूध ले लें और उसमें 1 टीस्पून के बराबर लेमन डाल के उसको मिक्स करें और 5 मिनट के बाद वो तैयार हो जाएगा। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है योगर्ट और पानी लिया है मैंने, इसमें 1/2 कप पानी जाएगा। और थोड़े से मैंने ले लिया है इसके अंदर मसाले, तो इसके अंदर मैंने ली है ये काली मिर्च मैंने ली है पिसी हुई, ये 2 टीस्पून के बराबर है। आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हसबे ज़रूरत ले लिया है मैंने यहाँ पे नमक, और नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। ऑनियन पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून। ये मैंने लिया है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है ओरिगैनो। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं सिरका भी डालूंगी इसकी मैरिनेशन में। तो अगर आपके पास ये जिंजर और ऑनियन का और गार्लिक का पाउडर नहीं हो तो आप इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें, तो चलो जल्दी से इसको करते हैं मैरिनेट। तो एक बोल ले लिया है यहाँ पे मैंने, और इसके अंदर मैं डालूंगी ये योगर्ट। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी, कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना हो। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये सारे मसाले। मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं। बहुत ही मजे की इसकी खुशबू आ रही है, खट्टी खट्टी सी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी 1/2 कप के बराबर। अगर आप इसको ओवरनाइट रख देंगे तो बहुत ही टेंडर हो जाती हैं चिकन अंदर से। देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। थोड़ा सा पानी और डालूँगी। रेडी हो गया, ये देखिए किस तरह का चाहिए हमें। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन, और चिकन मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह से काटी हुई है। तो ये देखिए चिकन मैंने इस तरह से काटी है, ये स्ट्रिप्स में काट ली है। बहुत मज़े की बनती है ये, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये रेडी हो गई है मैरिनेशन इसकी, तो अब मैं इसको रखती हूँ ढककर। तो मिलते हैं 1.5 घंटे के बाद। चिकन हमारी अभी मैरिनेट हो रही है, तो जब तक मैंने सोचा कि इसकी हम सॉस बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मेयोनीज, तो ये मैंने ली है 1/2 कप तकरीबन, और इसके अंदर मैं डालूंगी
नमक, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी ओरिगैनो, और यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर गार्लिक का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर नहीं हो तो यहाँ पर हम जो नॉर्मल कुटा हुआ होता है हमारा वो भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। तो इसको कर लेंगे मिक्स, ये बहुत मज़े की सॉस तैयार हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारे जिंगर ट्विस्टर के अंदर होती है। तो इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा थिक है, तो मेरा जो योगर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है थिक होता है, तो इस वजह से इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी। इसको मिक्स कर लेंगे, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन। तो बस ये हो गया अच्छा सा सॉस तैयार, तो मैं लेमन डालती हूँ इसके अंदर। तो बस मैं इसमें डाल दूंगी ये लेमन जूस, इससे बहुत ही टैंगी मज़े की लगती है ये। बस ये रेडी हो गई है, तो इसको करेंगे हम साइड पे। वो मेरी मैरिनेट हो गई है, तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए रखा था ढक के, और ये तैयार है यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप मैदा ले लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं डालूंगी, अगर आप चाहें तो डाल लीजिएगा वरना ये प्लेन भी यूज़ होता है। मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट। ये सॉल्ट चला गया इसके अंदर, और इसको मैं कर लूंगी अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, तो चिकन को इसमें डिप करेंगे। तो मैं पहले भी एक वो बना चुकी हूँ, एक जिंगर बना चुकी हूँ, तो उसकी रेसिपी भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और KFC स्टाइल का मैं ब्रोस्ट भी बना चुकी हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, उसके लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। बस ये मैदा जो है थोड़ा हमने ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमें कोटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बस ये मिक्स हो गया है, और ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं एक एक पीस उठाऊँगी इसके अंदर से, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें डाल के अच्छे से इसको मैं ऐसे दबा दबा के कोट करूँगी, और इसको इस तरीके से हल्के हाथ से करना है, इस तरह से बहुत अच्छा सा इसके ऊपर जो है वो क्रिस्प आता है। बस इसको थोड़ा सा दबा के यू मसलना है ज़रा सा बिल्कुल हल्के से, तो ये बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया, कितने मैंने बारीक बारीक से इसके मतलब बनाए थे थिन से, और ये कोटिंग के बाद देखिएगा कितने अच्छे से ये बड़े बड़े हो जाएंगे। बस डालना है और निकालना है, छोड़ना नहीं है इसके अंदर, और दोबारा से हम इसको कोट करेंगे। तो ये देखें इसको पानी से निकाल के मैंने दोबारा से कोट किया, और बस इसको हमने इस तरह से झटकना है जितना भी एक्सेस इसके ऊपर है, और ये देखें कितने अच्छे से इसके क्रम बन गए। तो ये मैं यहाँ साइड पे रखती जाऊँगी एक एक, और इसी तरीके से सारे बना लूँगी। और इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी ये टेंडर बन जाती हैं। बस इसको अच्छे से हमने इस तरह करना है, बस इसको मैं डिप करूँगी पानी में अगेन। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 5-6 बना ली हैं, तो मुझे अभी इतनी की ज़रूरत है, तो मैं इतनी बनाऊँगी, और ये मैं बाद में बना लूँगी। तो चले इसको फ्राई करते हैं, ये रेडी हो गई हैं फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को कर लिया है गरम, ये अच्छा गरम हो गया है, और अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी अपने फिले, तो जितनी जगह होगी उतने डाल दूँगी।
बस ये चार डाल दिए मैंने, और इसके फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा कम है, क्योंकि हमने चिकन पकाना है और ऊपर से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा कम फ्लेम के ऊपर ही बनाएंगे। और मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट एक तरफ करूँगी और फिर मैं इसको फ्लिप करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये जो है फ्राई हो रहे हैं, और इसको मैं पलटूँगी ये देखिए माशाल्लाह। अगर हम इसका फ्लेम ज़्यादा कर देते तो ये सारा इसका जो है कलर वो डार्क हो जाता और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखें कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल केफ्सी की तरह ही बना है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बन रहा है, और ये टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो बस इसको मैं तकरीबन 3 मिनट के लिए यहाँ से और करूँगी। ओके, तो बस ये रेडी हो जाता है, तो फिर मैं इसको निकालती हूँ। और इसको तकरीबन अभी 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, और इसकी ये कुक हो चुके हैं, तो इसकी एक निशानी ये भी है कि इसकी जो बहुत ज़्यादा से बबल्स आ रहे थे वो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट से बबल्स हो जाएंगे। तो इस मील के ये पक चुका है पूरा, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं इसको इसकी छन्नी वगैरह में रखूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो सौगी ना हो। वैसे तो ये नहीं होता सौगी, काफ़ी टाइम तक नहीं होगा। बस इस तरह से इसका सारा ऑयल निकाल के देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये तैयार हुआ है, बिल्कुल ये केएफसी स्टाइल का ही बना है। तो बस मैं इसको निकालती हूँ और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने टॉर्टिया ब्रेड्स भी बनाई हैं, तो आप उसकी रेसिपी भी देखिएगा, मैंने उसका लिंक भी डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे ये मैंने ले ली है टॉर्टिया ब्रेड्स, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इसको मैंने बना के रख लिया था फ्रिज में, तो मैं इसकी एक क्लिंग रैप हटाऊँगी और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए इसको मैं गरम कर लूँगी। आप इसको तवे पे भी गरम कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी से ये बन गई थी रोटियाँ, तो इसको मैं गरम करके लाती हूँ ताकि ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मैंने कर लिया है थोड़ा सा गरम, तो अब मैं इसकी करूँगी असेंबलिंग। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से जो है लेटस ले लिए हैं, एक प्याज ले ली है और थोड़ी सी हैलोपिनोज ले ली हैं। आप इसके अंदर टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, तो जो आपको अच्छी लगे वो आप डाल लें। और ये सॉस लगाऊंगी मैं पूरी इस पे टॉर्टिया पे। इस तरीके से रख के तो ये देखिए इस तरीके से इसको सेट कर देंगे, और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डालूंगी ये लेटस। इसमें टमाटो वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। थोड़ी सी डालूँगी इस तरह से प्याज, ये थोड़ी मोटी मोटी काट ली है मैंने। थोड़ा सा सॉस डालूँगी और तो ये देखिए इसको मैंने पूरा सेट कर लिया, जो जो चीज़ें डाली थी। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हैलोपिनोज भी डाल दी हैं, ये बहुत मज़े की लगती हैं। और अब मैं इसको रैप करूँगी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ओवरलोडेड सा बना है। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने जो है बटर पेपर से इसको रैप कर दिया था, लेकिन ये नीचे से भी खुल सकता है, तो इसके अंदर इस तरीके से एक टूथपिक वगैरह लगा सकते हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये बन गया, तैयार हुआ है। तो बाकी भी मैं इसी तरीके से सारे बना लूँगी। ये ज़बरदस्त से जो है वो केएफसी स्टाइल के ट्विस्टर तैयार हो गए हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाए, तो आप लोग इसको इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।